नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। प्रतिभा सिंह बोली, कांगड़ा को कैबिनेट में और प्रतिनिधित्व देने के लिए सीएम से करूंगी बात। केंद्र ने राज्यों को दिए NMM ऐप से मनरेगा कामगारों की हाजिरी लगाने के निर्देश। सीमेंट फैक्ट्री विवाद सुलझने के आसार, कंसल्टेंसी कंपनी ने सौंपी रिपोर्ट। 12 जनवरी को बुलाई गई अडानी कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स की बैठक। हिमाचल में नानी के घर पहुंची यामी गौतम, कई दिन से मंडी में रह रही थी। शिमला में नौकरी का फर्जीवाड़ा, शिमला में नकली सर्टिफिकेट से हत्याई जॉब। हिमाचल में भारी बर्फबारी की चेतावनी, 3 जिलों में रेड, 5 में येलो अलर्ट। आज रात से करवट बदलेगा मौसम, कल दोपहर बाद बारिश और हिमपात। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि कैबिनेट में जिन जिलों को अभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, वहां से चुने पार्टी विधायकों को भी तवज्जो दिया जाए। 26 जनवरी से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आयोजित बैठक के लिए राजीव भवन शिमला में मौजूद रही प्रतिभा सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि सरकार में नए चेहरे के साथ वरिष्ठ सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया है। जिन जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, वहां से चुने हुए विधायकों को भी तवज्जो दिया जाएगा। कहा कि कांगड़ा जिले से इतने विधायक जीत कर आए हैं, इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात की जाएगी कि कांगड़ा से जीते विधायकों को भी तवज्जो दी जाए। भारत सरकार ने राज्यों को मनरेगा के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों में कामगारों की हाजिरी नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से लगाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रावधान 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया है। मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 27 में प्रावधान है कि इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश दे सकती है। इसी के तहत भारत सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्य करने में सुगमता के दृष्टिगत मनरेगा के तहत कार्यस्थल में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप के तहत हाजिरी लगाने का प्रावधान किया है। इससे कार्यक्रम की निगरानी और भी ज्यादा बढ़ सकेगी। हिमाचल में चल रहा सीमेंट कंपनी विवाद सुलझाने के लिए कंसल्टेंट ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। माल भाड़े के रेट तय करने के लिए हिमकॉन को कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था, जिसे 4 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए कहा गया। रिपोर्ट सौंप दी गई है और अब सरकार इस रिपोर्ट का आंकलन करके दोनों पक्षों के साथ एक बैठक करेगी। दोनों पक्षों के बीच होने वाली बैठक की डेट भी तय कर दी गई है। ये बैठक 12 जनवरी को प्रस्तावित है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और हिमाचल की ब्रांड एम्बेसडर यामी गौतम मंगलवार को अचानक बिलासपुर शहर पहुंची। वे अपनी नानी से मिलने आई थी। कुछ समय परिवार के साथ बिताकर अपने मामा व अन्य रिश्तेदारों से मुलाकात करके वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई। यामी गौतम कुछ दिनों से मंडी जिला के गोहर में अपने परिवार संग रह रही थी। गोहर में यामी गौतम का अपना काफी पुराना घर है। यामी गौतम ने शादी भी अपने गाँव गोहर में ही की थी। राजधानी शिमला में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर डाक विभाग में नौकरी लेने का मामला सामने आया है। शिमला पोस्टल डिवीजन के तहत देवनगर शाखा में एक व्यक्ति ने अपने फर्जी सर्टिफिकेट देकर ग्रामीण डाक सेवक की नौकरी ले ली। शिमला पोस्ट ऑफिस के सुपरिटेंडेंट विकास नेगी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि देवनगर शाखा में उम्मीदवार मनीष कुमार का चयन देवनगर शाखा में ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्ट मास्टर के पद पर हुआ। मैट्रिक सर्टिफिकेट जांच के दौरान मनीष कुमार का सर्टिफिकेट फर्जी निकला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने के बाद हिमाचल में आज रात से मौसम करवट बदलेगा। कल दोपहर बाद से प्रदेश में हल्की बारिश बर्फबारी होनी शुरू हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के ऊंचे क्षेत्र में भारी हिमपात का रेड अलर्ट जारी किया गया है। शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी अगले 3 दिन भारी बर्फबारी हो सकती है। शिमला शहर में भी कल रात और परसों दिन में बर्फबारी होने की संभावना है। प्रदेश में कल से 15 जनवरी तक मौसम खराब रहेगा। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।